एक्शंस में लाने भर मात्र से यू कुड गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर नीट एग्जाम। आपको हैबिट पड़ गई ना बेटा प्रैक्टिस करने की, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते ही रहोगे, आप अपने आप को प्रैक्टिस करने से नहीं रोक पाओगे। जमाने लगे हैं मुझको खुद का किरदार बनाने में, जमाने को जमाने लगेंगे मुझे हराने में, जमाने को जमाने लगेंगे मुझे हराने में। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, क्या बोलती बनते की पब्लिक, क्लियर है सबको? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो चीतो? सो गाइस, मेरा नाम है सूर्यभान सिंह, आप लोग मुझे सूर्या सर भी बुला सकते हैं, और आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस कोर्स। मैं आपको बता दूं, मैं मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आता हूं आपके सामने बच्चों, और मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार नीट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स के उन सेक्शंस को बहुत अच्छे से डील करता हूं जिन सेक्शंस में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत जाती है, राइट बेटा? तो अपन लोगों का जो कनेक्शन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से अपन स्ट्रांग करेंगे। ऑल राइट एवरीवन, सो आर यू एक्साइटेड फॉर द क्लासेस बच्चों? और मैं एक और बार बता दूं, लगातार कमेंट चलता रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कुड गेट एंगेज्ड ऑफ। ऑल राइट रिया, क्या बोलती बनते की पब्लिक, क्या सबको समझ में आया क्या एवरीवन? चलिए चलिए एवरीवन, नाइस नाइस नाइस। ऑल राइट बेटा, तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुछ नीट के लेके लिए अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपन सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको बताऊंगा डूज एंड डोंट्स इन फिजिक्स, जिनका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ, जहां पे है आज जो अपन टारगेट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। बट सबसे पहले डूज एंड डोंट फॉर योर प्रिपरेशंस। ऑल राइट एवरीवन, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, राइट बेटा? बूम बूम, दैट्स नाइस। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। तो भैया बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की, मैं आपको बता दूं बेटा। ऑल राइट, चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से बात करते हैं अपन डूज एंड डोंट्स की। ऑल राइट एवरीवन, इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिकॉज इन बातों को सुनने भर मात्र से और अपने एक्शंस में लाने भर मात्र से यू कुड गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर नीट एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिलीव योरसेल्फ, राइट? देखिए क्या है, हम जिस कॉम्पिटेटिव माहौल में हैं, राइट, जैसे आपको पता होगा कि इस बार 22 से 25 लाख बच्चे हैं हर साल, मतलब 25-25 लाख बच्चे अब नीट का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली देने वाले हैं, तो इसके अंदर कंपटीशन का माहौल रहता ही है। पर मैं आपको बता दूं बेटा, कंपटीशन अभी भी बहुत कम बच्चों के भीतर ही है, और इसी चक्कर में आपको बताता हूं कुछ ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ। ठीक है, क्या होता है, हम लोग जनरली अपने आप पे बिलीव करने के बजाय दूसरे के मार्क से अपने आप को कंपेयर करना हम स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, जिसकी वजह से एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, राइट बच्चा? तो सेल्फ डाउट के लिए हमेशा याद रखना, अमित भाई, ज्योति, हमेशा याद रखना, सेल्फ डाउट यदि आपके अंदर आ गया तो आप प्रिपरेशन में लैग कर जाओगे। यू मस्ट नीड टू बिलीव इट दैट यस आई कैन डू इट। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर आई कैन डू इट, एवरीवन, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपको एफर्मेशन आए। और लिखने से कभी घबराना नहीं है, बताने से कभी घबराना नहीं है, बिकॉज दिस इज रियलिटी दैट यू आर गोइंग टू डू इट। मुझे पता है अभी नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है आपकी, राइट, है ना? अभी नई नई स्टार्ट हुई है, अभी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहेगी, अभी जब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहेगा, पर धीरे धीरे, दैट्स माई बॉय, पर धीरे धीरे, छोटे मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये कम होना स्टार्ट होगा, बट ये आपको सेल्फ बिलीव ही आपको लेके आगे जाने वाला है। मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको टिप्स क्रिएट करूंगा, ध्यान सुनना टिप्स, सेल्फ बिलीफ को कैसे इंप्रूव किया जाता है। देखिए, सेल्फ बिलीफ को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, एक इनर्शिया का कंसेप्ट होता है बेटा, अगर तुमने जानता होगा, कोई जानता है इनर्शिया कंसेप्ट क्या होता है? एनी वन, वॉट इज इनर्शिया, एनी वन? चलिए आई टेल यू द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया इज, है ना, इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया बोलता है, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना बच्चे, ज्योति, फैजल, इनर्शिया भी सीखोगे आप और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से सीखोगे, अभी देखो मजा आएगा आपको। इनर्शिया, इनर्शिया कहता है कि कोई भी बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करना चाहती है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है, और यदि रुकी हुई है छोटे तो वो रुके रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती है। और ये मुझे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट नियम लगता है, टेलिंग। देखो क्यों, ध्यान सुनना, ये इसलिए, यदि आपको हैबिट पड़ गई ना बेटा प्रैक्टिस करने की, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते ही रहोगे, आप अपने आप को प्रैक्टिस करने से नहीं रोक पाओगे। और आपको एक बार हैबिट पड़ गई ना लेजी बनने की, आप हमेशा लेजी रहोगे। दिस इज द कंसेप्ट, है ना? तो अगर आप बार बार बिलीव करोगे, आपको रिकॉल करोगे, यस आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठा लोगे कि यस आई कैन डू इट, और आप देखना तभी वो चीजें पूरी हो पाएंगी।
क्या सबको समझ में आई पहली बात? क्या सबको इनर्शिया का कंसेप्ट समझ में आया? टेल मी यस और नो। आपने कभी देखा विराट कोहली को बैट करते हुए, जब भी फास्ट बॉल आती है ना वो क्या करता है, जैसे ही फास्ट बॉल आती है ना वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्यों मूव करना स्टार्ट करता है सोचो? क्योंकि अगर वो खड़ा रह गया और फास्ट बॉल के सामने उसने अगर उसने टाइम ले लिया तो मूव नहीं कर पाएगा, सडनली तो मूव नहीं कर पाएगा। जैसी बॉल आती है थोड़ा सा बॉडी हिलाता है ताकि बॉडी मोशन में आ जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर इट वॉज नेवर अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं आज आपको बताता हूँ बेटा, मार्केट में सब सूडो मोटिवेशन देते हैं, है ना, यस तू कर सकता है, ये कर ले वो कर ले, सब किस किसने किया है, कोई ये बताता नहीं इसका राज क्या है। राज मैं आपको बताता हूँ, राज इनर्शिया है। आपको फिजिक्स से मैं राज समझाऊंगा, इसका राज क्या है, इनर्शिया है। बोलते ना लोग जिम जा रहे हैं, है ना, मान लो कोई 10 साल से जिम जा रहा है, सर जाते ही जा रहा है, क्यों जा रहा है वो? एक ही रीजन है ब्रो, एक ही रीजन है, उसका इनर्शिया बन गया है, उसके जिम जाने बिना उसको मजा ही नहीं आएगा। तो यही करना है आपको, आपको पढ़ाई का इनर्शिया बनाना है। सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, इसीलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉलो पोमोडोरो टेक्निक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एवरीवन। क्या सबको पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। देखो बेटा, टाइप करने में बिल्कुल नहीं घबराना है, जितना टाइप करोगे उतना मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? दिस इज द ओनली वे फॉर कम्युनिकेटिंग, ऑलराइट एवरीवन, दैट्स ग्रेट। चलिए मैं बात करता हूँ पोमोडोरो टेक्निक की। ये टेक्निक क्या कहता है? टेक प्रॉपर ब्रेक्स, है ना, जब आप 50 मिनट की पढ़ाई करते हो या फिर 40 मिनट की पढ़ाई करते हो, उससे ज़्यादा जो दिमाग है ना, वो और नियंत्रित या भी फोकस नहीं हो पाता है, तो प्रॉपर ब्रेक लेना स्टार्ट करिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ने का मुहूर्त निकालेंगे कि भैया पढ़ेंगे अब जाके हम पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा ब्रो। पढ़ने का मुहूर्त, कई बच्चे पूछते हैं सर टाइम टेबल बताओ क्या फॉलो करना चाहिए। अबे टाइम टेबल नहीं पूछना किसी से, तेरा काम पढ़ना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तेरा अपना सपना साकार करना है ब्रो, टाइम टेबल नहीं होगा कुछ। अगर आप टाइम टेबल बनाने लग गए ना बेटा, तो आप कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। आप तो ये सोचो आपको पढ़ना है, आप गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और डेली उसको अचीव करो। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करोगे कि नहीं? छोटे छोटे गोल्स, गोल ओरिएंटेड स्टडी, कॉपी में लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी में एक टेक्निक में ऐड कर रहा हूँ बेटा। गोल ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी? गोल ओरिएंटेड स्टडी, इज इट फाइन चैम्स? गोल ओरिएंटेड स्टडी क्लियर है? शाबाश बेटा, वेरी गुड। गोल ओरिएंटेड और पोमोडोरो, प्रॉपर ब्रेक्स लेना। देखिए क्या होता है, एक होता है इस टेक्निक में ये भी होता है कि ये भी पॉइंट होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आप ना कुछ ऐसे, सर आप बिहार से हो क्या? नहीं बेटा, मैं यूपी बनारस के पास का हूँ, बलिया जिला आपने सुना होगा, मैं वहाँ से हूँ बच्चों, है ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। बट हाँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे दैट यू शुड टेक अ प्रॉपर ब्रेक। सर गोल का मतलब ज्योति, आपने डेली टास्क बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आपका टास्क है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज जो भी सर पढ़ाएंगे उसको कंप्लीट करके ही सोऊंगी, तो आप सबसे पहले गोल निर्धारित कर लिया और आपका टास्क बन गया कि आपको ये गोल करना है, तो आप ये गोल करिए। ये डेली गोल ही आपको आगे की तरफ लेके जाने वाले हैं, ये बात याद रखना। जिसने डेली गोल बनाना मतलब फॉलो करना बंद कर दिया, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता बेटा। क्या बात सबको समझ में आई? पीयूष, सुशील, ज्योति, क्या सबको क्लियर है? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। आगे चलते हैं, तो गोल ओरिएंटेड पोमोडोरो टेक्निक, प्रॉपर कॉपी में लिखते जाओ, ये पॉइंट काम आएगा बेटा, काम आएगा। गोल ओरिएंटेड पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है, आगे चलते हैं। स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवीण बता रहा हूँ, फैजल ब्रो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्यों? क्योंकि हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे ना कंटेंट की भरमार है, हर एक मास्टर के पास कंटेंट है। यार देखो यार, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम किसकी है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। प्रॉब्लम यह है कि इतना सारा कंटेंट यदि आप करने जाओगे ना, तो दिमाग को अकम्प्लिशमेंट फील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने दो टीचर के अलग अलग डीपीपीज को सॉल्व करना स्टार्ट किया, अब होगा क्या, आप उससे थोड़ा करोगे, इससे थोड़ा करोगे, ना ये कंप्लीट कर पाए, ना ये कंप्लीट कर पाए, तो कुछ ही नहीं होगा। आपके दिमाग को अकम्प्लिशमेंट ही नहीं लगी कि आपने कुछ कंप्लीट किया है चैप्टर। तो क्या करना है आपको? रिसोर्सेज बहुत क्लियर है, यहां से आपको इस प्लेटफॉर्म से डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी और पीवाईक्यूज लगाना, दो ही चीज कर लो बेटा, इतना तुम कर लोगे ना, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, ये दो चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्या क्या करना है बताओ, जल्दी से बताओ, क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज में किस चीज पे फोकस रखेंगे कमेंट बॉक्स में प्लीज। क्या क्या बोला मैंने अभी? डीपीपी एंड पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट बेटा, दैट्स इट। इतना कर लिया आपने ना, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है या नहीं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश अतीश, शाबाश पीयूष, शाबाश पल्लवी। नाउ मूविंग ऑन,
कंपीट विथ योर सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप ऐसा सोचो, देखो मेरा हमेशा से रहता है कि यार अगर हम हमसे खुद से कंपीट नहीं करेंगे ना, अगर हम खुद को एनालाइज नहीं करेंगे ना, तो दिक्कत है। हमको खुद से कंपीट कर, हमको दूसरे से नंबर नहीं देखना है कि उसके इतने आ रहे हैं मेरे क्यों नहीं आ रहे। अपने को ये देखना है यार मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे यहां से यहां कैसे जाऊं। जब आप खुद से कंपीट करना स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट गेटिंग बेटर एट एवरी मोमेंट, पर आप दूसरे से कंपीट करना स्टार्ट करते हो तो वो मोटिवेशन थोड़े समय के बाद किल हो सकता है। पर खुद से स्टार्ट किया गया मोटिवेशन कभी किल नहीं होता बेटा। वो बहुत फेमस है ना कि जमाने लगे हैं मुझको खुद का किरदार बनाने में, कि जमाने लगे हैं मुझको खुद का किरदार बनाने में, जमाने को जमाने लगेंगे मुझे हराने में, जमाने को जमाने लगेंगे मुझे हराने में। इस बात का याद रखना है, किरदार तभी बनेगा जब तू खुद पे मेहनत करेगा। ठीक है बच्चों, तो किसी और से अपने को कंपीट नहीं करना है, राइट बेटा। मेक श्योर करना है बच्चों क्या, कि खुद से कंपीट करें आप। क्लियर है फैजल, ज्योति, सतीश, इज इट फाइन एवरीवन? फैजल ब्रो, क्लियर है आपको ये बात? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज और टेस्ट रेगुलरली, है ना। देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ना यहां मिस करते हैं, इस चीज को एनालाइज नहीं करते। देखो जब तक आप पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलने वाला भाई कि तुम्हारा एरिया कौन सा ग्रे है, कौन से एरिया से तुमसे सवाल बनेगा या तुमसे कौन से एरिया सवाल नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है छोटे, कि इस पेपर को एनालाइज करना है। जो भी आपका रेगुलर इंटरवल पे पेपर होगा, मेक श्योर करें बेटा आप ये देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपने बनाए, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, कौन से क्वेश्चन में आपने नेगेटिव मार्किंग हुई। जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्यों नहीं बने, वो इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं था या रिवाइज नहीं किया था। और टॉपिक नहीं पढ़ा था तो टॉपिक जाके पढ़ो, नहीं रिवाइज किया था तो टॉपिक जाके रिवाइज करो। क्या बात सबको क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज योर टेस्ट रेगुलरली। क्या बोलती बंटे की पब्लिक, समझ में आया क्या? आई होप आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो प्यारे बच्चों, राइट। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स। देखिए यार इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शॉर्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास क्विक रिविजन का साधन खत्म हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स में बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को ऐसा लगता है कि यार शॉर्ट नोट जो है ना चैप्टर खत्म होने के बाद बनाएंगे, लगता तो सही है, परंतु मैं आपको बोलूंगा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए लेक्चर वाइज। कैसे होने चाहिए बच्चों? लेक्चर वाइज, क्योंकि इसमें क्या है, बेनिफिट क्या है? हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स, देखो ध्यान सुनना, हो सकता है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हो लेक्चर के मतलब पूरे चैप्टर के बाद, उस टाइम पे आपको वो बातें याद ना आए जहां पे टीचर ने क्या किया था, एम्फेसाइज किया था कि यार ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ज्योति, पीयूष, क्लियर है कि नहीं? भूल जाता ना, लेकिन लेक्चर के तुरंत बाद आपको याद रहेगा यार सर ने बोला था यार ये इंपॉर्टेंट है, यार इसको अच्छे से ध्यान रखो। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप लेक्चर, हर एक लेक्चर का शॉर्ट नोट बनाओगे ना, जैसे आपने मान लो दो पन्ने में लेक्चर लिखे, आप कोशिश करो दो पन्ने का है तो उसको वन क्वार्टर मतलब वन फोर्थ पेज पे आप उसको लिखने की कोशिश करो। क्लियर है कि नहीं? सर नोट्स अभी बनाना है? बिल्कुल बनाना है बेटा ज्योति, बिल्कुल बनाना है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं नोट्स आप। और मेरे हिसाब से तो आप ये सारे पॉइंट्स अपनी नोट्स कॉपी की पहली पेज पे ये सारे पॉइंट्स आपने लिखना है, सारे पॉइंट्स लिखना है बेटा, है ना, ताकि आपको बार बार याद रहे जब भी आप पन्ना पलटाओ कि सर ने क्या बातें बताई थी। क्लियर है या नहीं दोस्तों, बंधुओं? क्रिस्टल क्लियर, दैट्स माय बॉय। क्या बोलती बंटे की पब्लिक, समझ में आया क्या? क्लियर है? वेरी गुड रिया, वेरी गुड। नोट्स कॉपी पे लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेक श्योर टू राइट इट ऑन नोट कॉपी। ऑल राइट, शाबाश। आगे, बी सिंसियर नॉट सीरियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग बता दे, बिल्कुल पीयूष इस पर भी चर्चा करेंगे ब्रो, डोंट वरी। हम लोग जमाने में बस सीरियस होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं, ठीक है। सीरियस होने से कुछ नहीं होगा ना, लोड लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये दिक्कत वाली चीज है। आप सिंसियर हो, सिंसियर का मतलब है गेट डिसिप्लिन्ड इन स्पाइट ऑफ गेटिंग टेंशन। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? सतीश, पीयूष, पल्लवी, डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? तो लिखना है, लिखेंगे सब लोग कमेंट बॉक्स पे, We will be sincere, not serious. कमेंट बॉक्स में चाहिए, सबका कमेंट चाहिए मुझे, मैं देख रहा हूं, जल्दी लिखो चीतो, शाबाश। तो मोटे मोटे तौर पे, यस दैट्स ग्रेट सच्ची, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड साची, नाइस, आउटस्टैंडिंग फैजल, आउटस्टैंडिंग रिया। ऑल राइट एवरीवन, लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, वेरी गुड बेटा। सो ऑलवेज रिमेंबर,
ऑलवेज रिमेंबर व्हाट द पॉइंट आई विल से, आई विल कंक्लूड इट बेटा. सबसे पहला है यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, राइट. सेकेंड पॉइंट इज फॉलो पोमोडोरो टेक्निक. यहाँ पे 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए. तीसरा, स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज. और लिमिटेड रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, मैं आपको डीपी भी दूंगा, PYQ करवाऊंगा, दैट्स इट. इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. जितना ज्यादा इधर उधर भागोगे उतना दिमाग खराब होगा, पहले ही बता रहा है. अगला देखो क्या है. अगला है कंपीट विथ योर सेल्फ, कंपीट विथ योर सेल्फ, ऑल राइट. और नेक्स्ट है एनालाइज योर टेस्ट रेगुलरली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंपीट का मतलब होता है कंपीट विथ योर सेल्फ, मतलब अपने आप से ही आप ना भागीदारी करो, अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर करो, किसी और से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है. क्लियर है कि नहीं बच्चा? मौली, पल्लवी, इज इट फाइन? है ना. एंड द लास्ट वन इज बच्चा शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं. आई विल रिपीट, शॉर्ट नोट्स आपको लेक्चर वाइज बनाने हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी सिंसियर, बी सीरियस, नॉट बी सिंसियर नॉट सीरियस. ऑल राइट एवरीवन, मेक श्योर करना बच्चों आपको इन सब चीज़ों का. एंड ओवरऑल ओवरऑल यू गाइज आर वेरी ब्यूटिफुल. भगवान ने आपको इतना बढ़िया बनाया, आपको इंसान के रूप में जन्माया है, राइट. तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ह्यूमन, ऑलवेज बी काइंड. जितना ज़्यादा आप ह्यूमन, काइंड और ग्रेटफुल रहोगे, उतना ज़्यादा आप जीवन में ऑटोमेटिकली भी तरक्की करोगे. क्लियर है या नहीं? ऑलवेज बी हीरो ऑफ योर सेल्फ, राइट. आप जितना अपने आपको अपना हीरो मानोगे, उतना ही शरीर की अच्छी रक्षा कर पाओगे, उतना ही आप माँ बाप की अपनी कृपा से, भगवान की कृपा से आगे बढ़ोगे. चलिए आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों. ये याद रखिए, कोई इस कोट का मतलब समझा सकता है क्या? मैं चाहता था कि आप समझाओ. वन डे और डे वन, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो इस कोट को पढ़ के. वन डे और डे वन, वेरी गुड फैजल, थोड़ा डीप में बताओ ये है क्या, इसका मतलब क्या है बच्चों? अबाउट सक्सेस, वेरी गुड पीयूष. इट इज अबाउट, आई टेल यू, आई टेल यू, बहुत मजेदार चीज है. वन डे और डे वन, एक दिन, एक दिन और पहला दिन. इसका मतलब है हम दिमाग में सोचते हैं कि यार किसी रोज जाके ये मेहनत करेंगे, और या फिर हम ये सोच लें कि हम मेहनत आज से ही करेंगे और ये पहला दिन है, वहीं से आपकी जीत शुरू हो जाती है प्यारे बच्चों. डिड यू गाइज गेट इट आर नॉट? हम एक दिन कर लेंगे और डे वन मीन्स एक ही दिन है. अरे वेरी गुड रिया, यू आर क्वाइट देयर. ऑलराइट एवरीवन, तो शैल वी बिगिन द चैप्टर चैम्स. आइए शुरू करते हैं पहला डेली. आज का टारगेट क्या है देखेंगे आंसर. पहले लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट. वेरी गुड साची, साची इज वेरी ग्रेट, साची नाइस बच्चा टू स्टार्ट द डे. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड साची. टुडेज टारगेट क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन. दूसरा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट. तो क्या बोलती बंटे की पब्लिक, शुरू किया जाए. लिखेंगे बूम बूम, लिखेंगे जल्दी से बूम बूम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बूम बूम. लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबका बूम बूम चाहिए मुझे, ये बात. शाबाश, बहुत बढ़िया लौंडो, बहुत ही बढ़िया साची, शाबाश लड़को. चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में. देखो यार, दुनिया में फिजिक्स के अंदर है ना, फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, मतलब हर कुछ फिजिक्स के अराउंड ही घूमता है. शाकालाका बुक बुक, नाइस पीयूष. चलो एनीवेज, है ना, फोकस. देखिए जब पढ़ाया जाएगा, ध्यान देना. थैंक यू वीरेंद्र ब्रो, थैंक यू मेरे भाई. जब पढ़ाया जाएगा पूरा फोकस बेटा क्लास पे होगा, जो जो बातें बोली जाएंगी उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट पूछेंगे, राइट. लेकिन जब पढ़ाया जाएगा पूरा फोकस क्लास में. जितना ज़्यादा आप अभी मोमेंट में रहोगे उतना चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे. दिमाग से बाहर निकल के स्क्रीन पे और सूर्य सर की तरफ आपकी निगाहें होनी चाहिए. डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? कहाँ होनी चाहिए आपकी निगाहें? सिर्फ यहाँ पे. आपको दिमाग की दुनिया में नहीं रहना है कि रात में खाना क्या बनने वाला, कल क्या खाऊंगा, कहाँ घूमने जाना है, सब फालतू की बातें है ना. हम सपनों में ही रहते हैं, सपनों में ही. सपनों में हम डॉक्टर बन चुके हैं, सुंदर बीवी से हमारी शादी हो चुकी है, ये सब नहीं रखना ब्रो. यहाँ पे आना है, नजरें स्क्रीन पर, दैट्स माई बॉय. शाबाश, आ जा शुरू करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, की फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है. तो नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे बेटा कॉपी में, कॉपी में टॉपिक डालेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी ऑल राइट, नाइस, दैट्स ग्रेट. देखिए क्या फिजिक्स
आपके आसपास की सारी चीजों को डिफाइन करती है, राइट? तो हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो लिखिएगा कॉपी के अंदर, एवरीवन राइट डाउन फिजिकल क्वांटिटी, एवरीवन राइट इट डाउन बेटा। ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब, आर यू गाइज राइटिंग इट और नॉट? शैल आई राइट? प्लीज लिखेंगे ऑल द क्वांटिटीज which are used to describe all the quantities which are used to describe the physics or the nature around us are called physical quantities. क्लियर है या नहीं बेटा? सबने लिख लिया? सर वो क्या लंबा सा कहां पे बेटा? Which all the quantities which are used to describe the physics or the nature around us are called physical quantities. लिखने के बाद बताएंगे मुझे, लिख लिया सर? देख लेना, मैंने तो इंग्लिश में बता दिया तेरे को, है ना? चलिए तो देख लेना ध्यान से। Now the point is, फिजिक्स है क्या? लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं वो नेचर को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? डिफाइन करते हैं। और इन लॉज को समझाने के लिए जिन क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ती है उनको कौन सी क्वांटिटी कहते हैं प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, आगे चलते जाओ सब, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति को समझाने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया गया है, इन्हीं को अपन कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है कि नहीं बेटा? कुछ क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। आइए फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बच्चों, क्या डालना है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सबको डेफिनेशन समझ में आ गई है फिजिकल क्वांटिटी की? पहले सब बोलेंगे यस सर, जल्दी से एवरीवन, बूम बूम या यस सर, खटाखट टाइप करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। आराम से चलेंगे और एकदम मजेदार चलेंगे, नीट में अपन फोड़ के आने वाले छोटे। तो देख ध्यान से बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, है ना? तो आपने देखा होगा, है ना? देखो ध्यान सुनना, है ना बेटा, ध्यान से देखना। पहले तो डायरेक्शन के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यदि डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई की जाए तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं बोलूंगा आप लिखेंगे, प्लीज मैं बोलूंगा आप लोग लिखेंगे, राइट डाउन बेटा। देखना फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, can be classified on the basis of direction they can be classified as on the basis of direction they can be classified as on the basis of direction they can be classified as पहला लिखेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं? पहला क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। कोई बता सकता है क्या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जल्दी से बताओ, बताओ तो जाने यार। 2 रुपए का सवाल है, बताएंगे दोस्तों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एनीवन? पीयूष, प्रवीण, शुभम, देखते लड़का जवाब देता है लड़की जवाब देती है पहले। नोरिया, फैजल ने दिया, फैजल वेरी गुड, उमर भाई बिल्कुल सही। स्केलर क्वांटिटीज वो कौन? हाँ वेरी गुड बीरेंद्र,
स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से डिफाइंड होती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं? चीतो, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो लिखना बेटा दोज क्वांटिटीज, लिखना बेटा कॉपी में, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। लिख लिया बेटा, डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, राइट, डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर है कि नहीं? इज इट फाइन एवरीवन? इज इट फाइन चैम्स? प्लीज टेल मी, क्या सबको क्लियर आ गया? अच्छा, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी बताओ, बताओ जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, बताओ। मास, मास 50 किलो, 100 किलो, ऐसा थोड़ा बोलते हो सर 50 किलो मेरा वजन है, मैं इधर घूमता हूं तो, और जैसे ही इधर घूमता हूं मेरा वजन 60 किलो हो जाता है, ऐसा नहीं बोलते ना, ऐसा नहीं बोलते ना, बताओ ब्रो, सवाल बताओ, मास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है, बताओ। तलविया सर, मास स्केलर, बिल्कुल सही, ठीक है कि नहीं? तो वो क्वांटिटीज तो दिशा के, दिशा पर निर्भर नहीं करती है, उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों बताओ, क्या कहते हैं उनको? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। नाउ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, तो क्या मैं कह दूं मास, आप मेरे को एग्जांपल बताते जाओ, डिस्टेंस बताते जाओ बेटा, दो चार और एग्जांपल बताओ, प्लीज प्लीज टेल मी वीरेंद्र, मास डिस्टेंस, टाइम भी बताते, किसी टाइम भी बताते, वेरी गुड बेटा, टाइम, स्पीड, और क्या क्या हो सकता बताओ, डेंसिटी एक्सेट्रा। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट बच्चों? क्या सबको समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी? क्या बढ़ू आगे की तरफ में? दूसरा बताओ, दूसरी कौन सी क्वांटिटी होती है भैया, बता देंगे क्या कोई? दूसरी होती है बच्चे क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी कौन सी होती है? वेरी गुड बेटा, कौन सी होती है दोस्तों मेरे? वेक्टर क्वांटिटी, मेरे प्यारे बंधुओं, आइए वेक्टर क्वांटिटी का भी मैटर करते हैं क्लोज, बताएंगे क्या वेक्टर क्वांटिटी, कौन कौन जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी बारे में? प्लीज टेल मी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, वेरी गुड बेटा रिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, इस बार लड़की ने जवाब सही दिया, वेरी गुड। पिछली बार किसका जवाब आया था? पिछली बार पहले किसने था? आई थिंक फैजल ने दिया था शायद, फैजल ने दिया था, हाँ बिल्कुल सही, फैजल ने दिया था, वेरी गुड फैजल, वेरी गुड रिया, वीरेंद्र ब्रो तू भी वेरी गुड, आ जा बताए, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? Those physical quantities which are defined by magnitude as well as direction are called vector quantities. ठीक है कि नहीं बेटा? हाँ, तो क्या लिखूंगा बेटा? Defined by magnitude as well as direction. तीसरी कौन सी क्वांटिटी होती है? किसी को पता है क्या तीसरी क्वांटिटी भी होती है? एक और कोई है महानुभाव अपने बीच में जिसको पता हो कि तीसरी क्वांटिटी भी होती है? बताओ। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तीसरी कौन सी क्वांटिटी होती है किसी को पता है क्या? बता दो तो जान जाओ, 2 रुपये का सवाल है पूर्ण रूप से। प्लीज टेल मी रिया, वीरेंद्र, तीसरी कौन सी क्वांटिटी होती है बता सकता है कोई? तीसरी क्वांटिटी होती है प्यारे बंधुओं टेंसर क्वांटिटीज। तीसरी कौन सी होती है? टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी, ध्यान सुनना, ऐसी क्वांटिटी जो ना ही स्केलर है और ना ही वेक्टर है, उनको क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। बेटा मैसेज नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, देखिए एक बार जल्दी से बताइए, टेंसर क्वांटिटी क्लियर है सबको? क्या लिखना चाहिए इसके अंदर मुझे डेफिनेशन में? क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर नॉर, टेल मी व्हाट, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। क्या सबको क्लियर है? जल्दी से लिखेंगे, बूम बूम, बट डिनोटेड इन स्केलर। नो वीरेंद्र, नो 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 नो, आई टेल यू अबाउट इट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी,
प्रिंस फैजल लिखना है आपको बेटा, दोज क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर. सर एक बार और देख ज्योति, अपन ने पढ़ा स्केलर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इनके लिए सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है बेटा. और वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दिशा भी चाहिए. अच्छा इसके एग्जांपल तो लिखे नहीं अपन ने, इसके एग्जांपल बता सकता है क्या कोई वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल, प्लीज टेल मी एग्जांपल सर, जिसके लिए दिशा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या एग्जांपल है देखते जा, डिस्प्लेसमेंट प्लीज राइट डाउन, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. डिड यू गाइज गेट इट और नॉट बेटा, क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है कौन कौन सी क्वांटिटी है बेटा, देखते जाओ ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. चले आगे की तरफ, चलो हाँ टेंसर की बात बता रहा था. टेंसर वो क्वांटिटीज होती हैं जो ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, तो क्या लिख सकता हूं, दे आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर. दैट इज, इसका मतलब है कि हर एक दिशा में उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाता है, करेक्ट है कि नहीं. वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कोई दिशा भी होगी और कोई मैग्नीट्यूड भी होगा. स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगा. पर इसके अंदर दिशा भी है मैग्नीट्यूड भी है, पर हर अलग अलग दिशा में मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसीलिए एक तीसरी क्वांटिटी बनती है टेंसर क्वांटिटीज, दैट इज, ध्यान सुनना, दैट इज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. हालांकि टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में है नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट. तो ध्यान सुनना बेटा, इसका एग्जाम्पल बस याद रखना आपको, प्लीज एग्जाम्पल याद रखना है. इसका एग्जाम्पल होता है बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख सकते हैं क्या बच्चों, प्लीज टेल मी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सबको, तीनों ध्यान सुनना, यस वीरेंद्र वेरी गुड, क्या सबको तीनों बस आपको एग्जाम्पल यही याद रखना है, ठीक है. एंड डोंट टॉक अबाउट करंट बेटा, प्लीज डोंट टॉक अबाउट करंट, नहीं मैंने जो एग्जाम्पल दिया है सिर्फ यही याद रखना है, यही आएगा तभी टेंसर आएगा, बाकी सब स्केलर और वेक्टर में डिवाइड होगा. क्लियर है वीरेंद्र, वीरेंद्र क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी वीरेंद्र, यस सर वीरेंद्र तेरा आंसर चाहिए मुझे, मैं समझ रहा हूँ करंट कहाँ से आ रहा है, बट प्लीज कंसिडर करंट एज अ स्केलर इफ दे आस्क इन एग्जाम, ओके. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ टेंसर आई एम टेलिंग यू, एंड व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. चलिए भैया, तो हमने पढ़ लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड बेटा, शाबाश, है ना. और याद रखना है बेटा, स्टिक टू द नोट्स, ठीक है बच्चों, क्या करना है प्लीज थम्स अप करो, स्टिक टू द नोट्स, ओके. चलो क्योंकि अपन एकदम एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन फोकस करके आपको सब लिखवाते हैं यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं बेटा, जो सही है वही है, ठीक है. चलो शाबाश. तो देखो क्या मैं बोल रहा था, तीन प्रकार कौन कौन सा ब्रो, एक स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया, एक टेंसर हो गया. स्केलर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और टेंसर के लिए वो होती है क्वांटिटी जो ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है. क्यों, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में उनका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग है. स्केलर के एग्जांपल्स मैंने क्या क्या बता दिए बेटा, सारे मास, लेंथ, टाइम, जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है सारे के सारे स्केलर है, जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता है सारे के सारे वेक्टर है. परंतु टेंसर का सिर्फ एक ही उदाहरण बताया है, कौन सा बताया बबुआ जी बताया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैटर हो जाता है क्लोज. क्या सबको क्लियर है, प्लीज टेल मी, बूम बूम सर प्लीज टेल मी. दैट्स ग्रेट जल्दी लिखेंगे, शाबाश बेटा. टाइप तो करना पड़ेगा शुभम फैजल, टाइप तो करना पड़ेगा ब्रो, प्लीज टाइप करें, वेरी गुड, ऑल राइट, दैट्स इट बॉयज, दैट्स इट, है ना. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, है ना. अभी चलो लिख लो बेटा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, एक मिनट और दे रहा हूं लिखने के लिए, जल्दी से. ऑल राइट सर, क्लास से अच्छा रीडिंग हो रही है, यस बेटा ये तो है, और खासकर मैं हूं साक्षात, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा तो आएगा ही. मजा ले रहा हूं एनीवेज यार, लाइफ में ना यार थोड़ा, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, है ना, ऑलवेज बी एट पीस विथ योरसेल्फ, है ना, सुखी रहना अपने को, है ना. लोग आपको बताते जाएंगे, है ना, कि सुख ढूंढना पड़ेगा, सुख ढूंढना नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर ही है ना, ठीक है. मेहनत करो, बढ़िया मजे में रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. चलो आगे बढ़ा जाए,
वेरी गुड सुशील, ठीक है। देखो दोस्तों, अपन थोड़ा वेट करेंगे बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी की राइटिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, क्लियर है कि नहीं सबको? बोलो यस सर, बूम बूम सर। बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया आगे लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका एक और क्लासिफिकेशन किया जा सकता है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। लिखेंगे बेटा ना, क्या लिखना है? बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड, अजीब सा बेस लिख दिया मैंने, वैसे दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। क्या बोलती बंटे की पब्लिक? क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चे सबको? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे यहां पे, है ना? यहां ध्यान देंगे ना। डिपेंडेंसी के बेस पे क्वांटिटी दो प्रकार से डिफाइन की जा सकती है। पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, और बेस क्वांटिटी। क्या कहते हैं बंधु इसको? फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। इसको बेस और फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं बताओ? क्योंकि इन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से फोकस यहां पे, दिमाग में नहीं रहना, यहां रखो, यहां देखो सब लोग, एवरीवन। क्या बोला मैंने बताओ? क्या बोला? इस क्वांटिटी को, वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली किसी और क्वांटिटी का सहारा ना लेना पड़े, उन क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बेस्ड क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। राइट डाउन द डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन चैंप। क्या? द क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इट कंप्लीटली। देखते जाओ ध्यान से, देखते जाओ बच्चों, शाबाश, था ना? The quantities which does not require any other quantity to define it completely are called, fundamental or base quantity. Fundamental or base quantity. क्या बोलती वंटई की पब्लिक? समझ में आया क्या? जल्दी बताओ पल्लवी, सुशील, फैजल, प्लीज टेल मी बच्चा, प्लीज टेल मी। यस सर, बूम बूम सर। यस सर और बूम बूम एक ही चीज है। यस सर और बूम बूम एक ही चीज है। आगे एक और कीवर्ड यूज करूंगा मैटर क्लोज जब कट करूंगा, ठीक है? तो वो भी एक ही चीज है। चलो शाबाश, वेरी गुड। चलो लिख लिया क्या सबने? प्लीज राइट डाउन, बताएंगे सर लिख लिया। यस सर, नोटेड, वेरी गुड शुभम, जल्दी से लिखेंगे। लला 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 लला। वेरी गुड, मजा आ रहा है। मेरे साथ रहेगा ना छोटे तो ऐसे ही मजे करेगा। चंद का क्या छोटे? चलो चले चले आगे की तरफ। पीयूष, यस दैट्स ग्रेट गाइस, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बात कर ली हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी की। इफ आई टॉक अबाउट, ध्यान सुनना, सेकंड, उसको कहते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं बताओ? कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना? देखो क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, आइए देखते हैं। पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं, पहले उदाहरण लिख लेते हैं इसका। देखिए, मास को, लेंथ को, टाइम को, करंट को, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए, टेम्परेचर समझ रहे हो? टेम्परेचर अपने आप में संपूर्ण है। टेम्परेचर हर चीज बताता है, क्या यहाँ का तापमान कितना है। मास अपने आप में संपूर्ण है। 50 किलो बोल दिया तो समझ गया कि 50 किलो का आदमी है। टाइम बोल दिया 10 सेकंड में तो तू समझ गया 10 सेकंड बीत चुके हैं। यस और नो बेटा? तो याद रखना, ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किन्हीं और क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लो बच्चों, एग्जाम्पल्स आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, ETC। क्या बोलती बंटे की पब्लिक? समझ में आया क्या?
जल्दी बोलेंगे छोटे, जल्दी बोलेंगे छोटे। उदाहरण लिख लिया क्या सबने? क्लियर है एवरीवन? पीयूष ठीक है, जिन क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं है खुद को डिफाइन करने के लिए, वो क्वांटिटीज हो जाती हैं फंडामेंटल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से होते हैं? डिराइव क्वांटिटीज बेटा बता सकते हैं? डिराइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? आपको लग ही रहा होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं खुद को डिफाइन करने के लिए। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है दोस्तों? जल्दी बोलेंगे यस सर या बूम बूम सर, प्लीज टेल मी। ठीक है यस, तो याद रखना है, लिखना है द क्वांटिटी इज वेरी गुड। अगेन सर आई रिपीट अगेन सुशील, डोंट वरी। डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे मैंने बेस क्वांटिटी क्या बताया, बेस क्वांटिटी बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, वैसे डिराइव, डिराइव का मतलब कहीं से आई है, तो डिराइव क्वांटिटीज बताने के लिए बेस क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटीज। तो राइट डाउन द क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड with the help of base quantities are called derived quantities. Derived quantities. For example, ध्यान सुनना बेटा ना, ध्यान सुनना. For example, है ना? यस वेरी गुड पल्लवी, अब अमेजिंग पल्लवी, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछता है स्पीड क्या होती है, तो आपको बेसिक तो पता ही होगा, स्पीड होता है सर लेंथ अपॉन टाइम। यस और नो बेटा? लेंथ अपॉन टाइम। तो ये लेंथ क्या है? ये है बेस क्वांटिटी। क्लियर है या नहीं बच्चा? है ना? और ये टाइम भी क्या है? बेस क्वांटिटी। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, बेस क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी स्पीड को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए क्वांटिटी कौन सी हो गई है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलती बंटे की पब्लिक, समझ में आया क्या? सबको समझ में आया बच्चों? एग्जांपल दूसरा एरिया बता दो वापस से। अब तुम समझ चुके हो, अब तुम सब बता दोगे। एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है क्या बेटा? एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, इन सब के लिए, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कैसी क्वांटिटी है? मास हो गया आपका बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन को क्या कर सकते थे? लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो लेंथ भी हो गया क्या बेस क्वांटिटी, टाइम भी क्या हो गया बेस क्वांटिटी। तो MLT का इस्तेमाल करके जो भी चीज आई होगी वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी प्यारे बच्चों? कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है? मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं सर, एक बार और प्लीज। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैं बताऊंगा। देख ध्यान सुन जी, मैंने क्या बोला, ध्यान सुनेंगे सब लोग एकदम पूरा फोकस, यहां दिमाग से बाहर निकलेंगे, बार बार रिपीट करता रहूंगा स्टेटमेंट, है ना? कई बार हम दिमाग में उलझ जाते हैं। इधर देखेंगे मेरी तरफ, शाबाश बेटा, सुन ध्यान से। मैंने क्या बोला ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता ना पड़े उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं तुम्हारा वजन 50 किलो है, मतलब आप समझ गए हो, अगर किसी ने बोला 50 किलो का वेट है तो आप समझ गए हो ना कि भाई मास बता दिया तो 50 किलो है तो है, लेंथ 10 मीटर लंबी कोई चीज है, या फिर टाइम 10 सेकंड बीत चुका है। तो ये सब कौन सी क्वांटिटी है? ये बेस क्वांटिटी है। इनको डिफाइन करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। टाइम एक इंडिपेंडेंट है, मास एक इंडिपेंडेंट चीज है, लेंथ एक इंडिपेंडेंट, लेकिन एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बताओ? तो एरिया पता करने के लिए लेंथ पता होनी चाहिए थी, तभी तो एरिया पता होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, प्लीज टेल मी यस और नो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल ये स्पीड कब पता कर पाते? स्पीड पता करने के लिए दूरी और समय पता होगा, तभी तो स्पीड पता कर पाओगे कि नहीं पता कर पाओगे। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वो कहां से आया है? वो लेंथ और टाइम से आया है, और लेंथ और टाइम दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटी थी प्यारे बच्चों? प्लीज टेल मी।
कैसी क्वांटिटी थी? यस दैट्स माय बॉय, वो दोनों के दोनों बेस क्वांटिटी थी। इनफैक्ट मैं आपको 7 बेस क्वांटिटी लिखवाऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप जब बेस क्वांटिटी 7 के 7 याद रख लोगे तो डिराइव्ड क्वांटिटी तो बाकी छोड़ के 7 सारी की सारी दुनिया में क्या है, कौन सी क्वांटिटी है बता दो भैया, बता दो भैया। अगर मैं 7 बेस क्वांटिटी तुमको बता दूं तो बाकी दुनिया में सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी? प्लीज टेल मी, आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखेंगे दोस्तों। आएगा कैसे नहीं समझ में, 2 रुपीज का कंसेप्ट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेरी गुड बेटा, तो समझ में आया कि नहीं बेटा, सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगी। जल्दी से छापेंगे, बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। आपको 1 मिनट का समय देता है छापने के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करें क्या अपन, बताएं सब लोग, क्या सबको समझ में आ गया? तो आप उत्तर देना स्टार्ट करेंगे क्या बंधु? लला 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 लला, जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर जाओगे छोड़ के तो मुझे। लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिया, चले क्या आगे की तरफ? प्लीज चल मी, यस सर, बूम बूम। पोल पोल कीजिए, अच्छा अच्छा नहीं नहीं लिख दो यस सर, कोई नो सर लिख देगा तो यार रुक जाएंगे थोड़ा सा उसके लिए, है ना? यस सर लिख दो खटाक से बेटा, फिर बड़े जीवन में आगे की तरफ। चले चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल बताना है आपको, ठीक है बेटा? आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट मैं लिखता जा रहा हूं, सब है ना यहां पे लिखता जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है, लिखते जाओ साथ में लिखते जाओ बेटा, मास, फोर्स, टाइम, टाइम है ना, स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब लोग एग्जांपल साथ में लिखेंगे बेटा मेरे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला क्या है? प्रेशर। बस देखेंगे ध्यान से, एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड नाउ। अब आपको बताना है कि ये कौन कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी मतलब समझ गए आप? अपन ने फिजिकल क्वांटिटी के 2 हिस्से किए थे, एक किसके बेस पे किया था? डायरेक्शन के बेस पे किया था, और दूसरा किसके बेस पे किया था, है ना, डिपेंडेंसी के बेस पे किया था। तो मुझे बताओ, सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या? सिर्फ एक लेंथ ही तो है। आराम से सोचो, पहले आराम से सोचो, ठीक है, आराम से लिखो पहले, सब लोग प्लीज लिखेंगे। वेरी गुड, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट मास, लेंथ और टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ ही होता है, पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना बच्चा, बेस एंड वेक्टर, क्या सबको क्लियर है ये? बिल्कुल। मास कैसी क्वांटिटी है? यह भी बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, परंतु यह कैसी है? बेस एंड स्केलर। अब आप समझ चुके हो क्या क्या आंसर देता जाना है। मैं चाहता हूं कि आप सबका आंसर दें, मैं आपको इस सवाल को करने के लिए पूरे 90 सेकंड देता हूं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। आप अपनी कॉपी में ना लिखें तो आप यहां चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज एवरीवन चैट बॉक्स में आप अपने आंसर लिख लीजिए, नहीं कॉपी गंदी होगी बेमतलब में, गलत करोगे तो। फैजल, बीरेंद्र, शुभम, ज्योति, सबसे आंसर चाहिए बेटा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? जल्दी से लिखो, फोर्स इक्वल टू, बीरेंद्र वेरी गुड बेटा। बाकी लोगों की क्या राय है बेटा फोर्स के बारे में? फोर्स क्या बेस है क्या? गलत लिखा है वैसे बीरेंद्र तूने, सोच दोबारा से। बेस और डिराइव्ड 2 क्वांटिटी होती हैं, क्या फोर्स बेस है क्या? नहीं बेटा, क्योंकि फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन।
वेरी गुड पल्लवी, शाबाश बच्चा पल्लवी, वेरी गुड, वेरी अमेजिंग बेटा। नहीं नहीं फंडामेंटल और बेस एक ही चीज होती है, फिर गलत लिख गया पल्लवी ने भी, गलत लिखा है। फंडामेंटल और बेस एक ही चीज होती है बेटा, डेराइव्ड लिखना पड़ेगा आपको। सुशील बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वीरेंद्र, वेरी गुड, नाउ यू गाइस गेट इट। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, देखिए फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना, कुछ एक्सेलरेशन भी अगर मास, लेंथ और टाइम, याद रख बेटा याद रख ले, मास लेंथ और टाइम सिर्फ यही बेस है, बाकी जहां जहां मास लेंथ और टाइम कुछ आएगा सब डिराइव्ड है, ठीक है। तो कैसा क्वांटिटी होगा बताओ, डिराइव्ड एंड वेक्टर, डिराइव्ड एंड वेक्टर। टाइम कैसी क्वांटिटी है बच्चों, टाइम इज अ बेस एंड स्केलर, बेस एंड स्केलर, बहुत बढ़िया। स्पीड कैसी क्वांटिटी है मुझे बताओ वापस से, या डिराइव्ड हो जाएगी वापस से, क्योंकि स्पीड के लिए क्या चाहिए, लेंथ और टाइम चाहिए, है ना, टाइम इज बेस, वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। डिराइव्ड एंड स्पीड है तो ये भी क्या है, स्केलर। अगला बताओ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बताओ बेटा, ये है डिराइव्ड एंड वेक्टर। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, प्लीज चलते हैं ना, बताते हैं ना भाई, अब सब समझ में आ रहा है बिल्कुल, है ना, कोई डाउट होगा तुरंत पूछेंगे, प्लीज टेल मी, है ना बेटा, बिल्कुल है ना, एकदम खुल के, है ना, मैं आपका बड़ा भाई हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछ भैया, ये दिक्कत है हमें, हम सब बताएंगे आपको। सर मजा आ रहा है, थैंक यू साईं, थैंक यू सो मच मेरे बच्चा, आ जाओ देखते हैं आगे तरफ। एक्सेलरेशन क्या होगा बता ब्रो, ब्रो एक्सेलरेशन बता क्या होगा, प्लीज टेल मी ब्रो, एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, प्लीज टेल मी। साईं बीरेंद्र ज्योति, लड़कियों के आंसर आना बंद हो चुके हैं, पल्लवी कहां गई तुम लोग, जल्दी बताओ आंसर। साईं ने सही बताया, लेकिन साईं तेरे को वो भी बताना है ब्रो, डिराइव तो बताया तूने सही, बता वो क्या है साईं, प्लीज टेल मी, स्केलर या वेक्टर है। सुशील बेस क्यों बोल रहा है भाई, मैंने सुशील तेरे को भी बता दिया ब्रो, सुशील ध्यान सुन बेटा, बेस सिर्फ मास लेंथ और टाइम है, कोई दिक्कत नहीं फैजल, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैंने क्या बोला पहले पहले, रुक 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 रुक, इधर देखो सब लोग, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड नाउ, आईज ऑन द बोर्ड नाउ, मास, सब लोग ध्यान सुनना, मास लेंथ और टाइम, ये कौन सी क्वांटिटी है पहले बताओ, मैं लिख देता हूं, आजा मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, रुक जा, देख ध्यान सुनना ना, मैं लिख दे रहा हूं ना, याद रखना है ना फैजल, याद रखना है फैजल, याद रखना है ब्रो, मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर, सारे लिख देता हूं ताकि अभी याद कर लो, अभी याद करो, अभी मैं पूछूंगा, मैं अभी पूछूंगा, मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड मोल, तीन तीन छह एक सात, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज हैं, क्या ये याद रखेंगे क्या फैजल, ब्रो फैजल मुझे तेरा आंसर चाहिए बेटा, क्या याद रख सकता है क्या, अभी इसको इतनी जोर से देखो कि याद हो जाए, अभी इसको इतनी जोर से देखो कि याद हो जाए, प्लीज टेल मी ज्योति बीरेंद्र, इसको अभी याद करना है तुम्हें, अभी याद करना है, मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, इसके बाद मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, अभी टाइम स्टार्ट्स नाउ, Giving you 60 seconds to remember it. फिर गलती नहीं होगी फैजल, है ना, इसको याद कर ले बेटा, वेरी गुड ज्योति, हो गया सबको याद, कॉपी में लिख लो, एक साइड में लिख लो, एक साइड में लिख लो जल्दी से बेस क्वांटिटीज के बारे में, नोट इट डाउन, लिख लिया क्या, बूम बूम जल्दी से लिखेंगे, बूम बूम। और तुम लोग यार एक बात बताओ है, वो नहीं बनाते क्या तुम लोग, क्या बोलते हो, इमोजीज बनाया करो ना यार, इमोजीज अच्छा लगता है थोड़ा सा, लिखे जा रहे हो बस अंग्रेजी में, हो गया चले आगे तरफ, ये दैट्स ग्रेट सतीश बॉय, चलो चलते आगे तरफ, है ना, ये सुशील का चश्मा बढ़िया लगा ब्रो, ये मस्त चश्मा लगा है, चलो चलते बढ़ते जीवन में आगे तरफ। हाँ अब बता, अब बता, आप कोई गलती होगी क्या, देख अब ध्यान सुन सुन, ये जो था ना फैजल जो लिखवाया बेस, इनको छोड़ के तेरे को कुछ भी दिखेगा तो क्या बोलेगा आंसर, फैजल
इनको छोड़ के कुछ भी दिखेगा तो आंसर क्या बोलेगा फैजल, तेरा रिप्लाई चाहिए मेरे को, प्लीज टेल मी। यस, फैजल का रिप्लाई नहीं आया अभी, फैजल पता नहीं कहाँ चला गया। फैजल दैट्स माय बॉय। अब देख फैजल बताएगा आंसर, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी फैजल? वेरी गुड, अभी आ गया फैजल, एकदम समझ गया फैजल। अब डिराइव्ड एंड वेक्टर, अब ये वेक्टर है स्केलर है कैसे पता चला? तो याद रखना ना, याद रखना स्पीड और डिस्टेंस स्केलर है, मास स्पीड डिस्टेंस टाइम ये सब क्या है स्केलर है, बाकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स सबकी सब चीजें वेक्टर है, ये याद रखना पड़ेगा। तो है ना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है या नहीं? सतीश पल्लवी फैजल, आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस और नॉट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है ये बताना पड़ेगा आपको, बताओ क्या लिख दूं ये? डिराइव्ड एंड क्या लिखो यहां पे? डिराइव्ड एंड क्या लिखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? सर वेक्टर आगे लिख सकते हैं क्या? कहां पे लिखूं बेटा? हां कहीं लिख ले, मतलब वेक्टर है वो तो एक साथ ही लिख दिया मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सर? वेरी गुड। टेंसर सतीश, नो बेटा अभी मैंने बताया फैजल, अभी भूल गए तुम, अभी मैंने बोला था एक ही एग्जांपल है टेंसर का, ये गलती नहीं चाहिए मेरे को, प्लीज 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 बी कॉशियस बेटा, क्लास पे ध्यान नहीं है मतलब आपका। फैजल सतीश बच्चों बताओ, क्या अभी आपको बताया गया था टेंसर के बारे में? प्लीज टेल मी वीरेंद्र, है ना दिमाग में नहीं रहना बेटा, है ना क्लास में? यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा फोकस यहां रख बच्चा, चला जा। तो क्या लिखूं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव्ड एंड टेंसर, और आखिरी है बेटा प्रेशर, तो ये हो गया डिराइव्ड एंड स्केलर। चलिए चला जाए आगे की तरफ, चले आगे की तरफ, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। आज के टॉपिक में क्या क्या था देखो बेटा, आज अपन ने क्या क्या कवर किया, अभी अपन ने फिजिकल क्वांटिटी और उसका क्लासिफिकेशन कर लिया, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में अपन बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है देखना ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बेटा, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बेटा सर फोर्स एंड प्रेशर समझ में नहीं आया बेटा वीरेंद्र, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये अभी याद कर लो, जब आगे पढ़ाया जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? उसमें जो पॉइंट लिखे थे स्केलर और वेक्टर में, ये आगे आ जाएगा। यश कटियार, आगे जब आप पढ़ाऊंगा मैं आपको फ्लूइड्स, उसमें प्रेशर के बारे में चर्चा करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है अभी सबको? यश वीरेंद्र प्लीज टेल मी क्लियर है? हाँ अभी याद कर लेना ना, अभी आगे 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 तो बता देंगे, कुछ समस्या की बात नहीं है। आ जाओ अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे क्लासिफिकेशन, यूनिट्स लिखेंगे ना, नेक्स्ट यूनिट्स लिखना, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लिख लिया क्या सबने बेटा? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है, किसी चीज की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? प्लीज टेल मी अपने लैंग्वेज में, जो भी आप समझते हो बताओ, यूनिट क्या होती है बेटा? प्लीज टेल मी, फॉर एग्जांपल लाइक केजी, वेरी गुड, फॉर एग्जांपल मास यूनिट केजी है ना, मैं आपसे 10 किलो बोलूं मतलब आप समझ गए, 10 किलो मतलब समझ गए, मतलब किलो क्या है उसकी यूनिट है, और उससे अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं मेजरमेंट को समझ पाऊंगा, यस और नो बेटा? यस और नो बेटा? मुझे 1 केजी पता है, व्हाट इज 1 केजी? केजी इज अ यूनिट, बट 10 केजी इज व्हाट? आई विल अंडरस्टैंड द मेजरमेंट। क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो लिखेंगे बेटा, कॉपी के अंदर लिखेंगे सब लोग, एवरीवन राइट डाउन, लिखेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ यूनिट, लिखेंगे द रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच, द रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड, सॉरी द रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट द रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट
इन मल्टीपल्स ऑफ विच, इन मल्टीपल्स ऑफ विच, मल्टीपल्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड. समझ में आएगा बेटा, अभी लिखते जाओ जल्दी से. फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड इज कॉल्ड व्हाट चैम्स? यूनिट. यूनिट भी दो प्रकार की होती है, ध्यान सुनना एवरीवन. आईज ऑन द बोर्ड, आईज ऑन द बोर्ड. क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की मैं बात करूं तो जैसे क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है प्लीज टेल मी, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है? बेस क्वांटिटी है ना, और डिराइव्ड क्वांटिटी. वैसे ही यूनिट भी दो प्रकार की होती है, बेस यूनिट एंड फंडामेंटल, सॉरी बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स. तो बेस यूनिट किसके लिए होंगी? बेस यूनिट बेस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यूज की जाएंगी, और डिराइव्ड यूनिट किसके लिए की जाएंगी? डिराइव्ड यूनिट को डिफाइन करने के लिए की जाएंगी. तो लिखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, इसको लिखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट. क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट? दो प्रकार की हो जाएंगी. पहला आएगा बेटा बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट. और दूसरा कौन सा आएगा बच्चा मुझे बता दे. सर बेस यूनिट फंडामेंटल होगा, डेराइव्ड यूनिट. क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या सबको क्लियर है प्यारे बच्चों? सुशील, बीरेंद्र, पल्लवी, राइट. तो इसके बारे में चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, पर अपन कुछ अभी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. क्लास को थोड़ा सा अपन समराइज करने की कोशिश करते हैं. क्या बोलती बंटे की पब्लिक? सबको क्लियर है? एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड नाउ. क्या सबने लिख लिया है? एक मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ा जाए. बूम बूम लिखेंगे जल्दी से. क्या लिख लिया है आपने? That's great. जल्दी से. शाबाश सुशील, शाबाश ज्योति. That's great. चले तो आज की क्लास में हमने किस किस के बारे में चर्चा करी. तो मैंने आपको पहले डूज एंड डोंट्स बताए, राइट बेटा. तो आई होप आप लोगों ने डूज एंड डोंट्स को बहुत अच्छे से लिया हो. उसके अंदर बेटा पोमोडोरो टेक्निक और गोल्स के ऊपर मैंने अच्छे से फोकस किया. मैंने आपको ये भी बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स की जगह क्या बनाना है. कोई बता सकता है क्या बनाया था? शॉर्ट नोट्स की जगह क्या बनाने को बोला था? देखिए पूरे एक रुपये का सवाल है. प्लीज टेल सुशील, तेरा फोन लॉक होने वाला है तो अनलॉक कर लेना मेरा भाई. सुशील जल्दी से बताइएगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनने चाहिए, लेक्चर शॉर्ट नोट्स. तो आज की क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे क्या? शुभम, बीरेंद्र, सुशील प्लीज टेल मी. यस सर, राइट, ओके ओके. सुशील कोई दिक्कत नहीं, अभी आकर आगे अपन नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो चला भी जाएगा तो कोई समस्या की बात नहीं है ना. लव यू मैन, डोंट वरी. चलो दूसरा, फिर हमने स्टार्ट किया यूनिट एंड डायमेंशन. मैंने आपको बताया कि नेचर के लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिन क्वांटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हीं क्वांटिटीज को हम कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल. अभी देखो रैप करूंगा, मैंने रैप गॉड बन जाऊंगा, देखना भी एकदम से, है ना. तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो नेचर के लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. और उसका क्लासिफिकेशन मैंने दो प्रकार से बताया. सबसे पहले डायरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन बताया, जो कि कौन कौन सी हो सकती है? स्केलर, वेक्टर और टेंसर. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम. वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया एंड व्हाट नॉट. फिर मैंने आपको आगे की बेहतर बात करी. फिर मैंने बताया टेंशन क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो कि ना ही स्केलर होती है ना ही वेक्टर होती है, और साथ ही साथ में ध्यान सुनना, साथ ही साथ में इसका हर एक दिशा में जो मैग्नीट्यूड होता है बदलता रहता है, उन क्वांटिटीज को टेंशन क्वांटिटी कहते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन क्वांटिटी
का एक एग्जाम्पल होता है। क्या बात सबको क्लियर हो गई यहाँ पे? बिल्कुल सही। फिर मैंने बात करी किसकी, डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी के बेसिस पे वापस से दो प्रकार की क्वांटिटीज को बनाया जा सकता है। पहला होता है बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन होने के लिए या करने के लिए कि नहीं और क्वांटिटीज की आवश्यकता ना पड़े, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। कौन कौन सा था दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, मोल हो गया, और क्या बचा, सब तो हो गया। चले फिर आगे मैंने बात करी किसके बारे में बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए बेस क्वांटिटी की अपने को आवश्यकता पड़ती है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, उन्हीं क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। जो मैंने बेस क्वांटिटीज बताई इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी कौन सी क्वांटिटी होंगी, डिराइव क्वांटिटी होंगी। फिर मैंने आपको बताया क्या कि इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मास का यूनिट जैसे मैंने बताया कि 10 किलो का है, मतलब क्या है 10 times of a kg, इससे अपने को पता चलेगा कि उसका मेजरमेंट कितना है फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूनिट का सहारा लिया जाता है। और यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, जो किसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा मैं, बेस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए करूंगा, और डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो यूनिट होंगी वो डिराइव्ड यूनिट होंगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आती है प्यारे बच्चों? जल्दी से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जी सर प्लीज टेल मी। शुभम, सुशील, बीरेंद्र, पल्लवी, ज्योति, जल्दी से बताएंगे एवरीवन। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बूम बूम, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी क्लास बहुत पसंद आई हो। प्यारे बच्चों अपन मिलते हैं अगली क्लास में, एकदम मचाते हैं, ठीक है बेटा? मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। मेरा नाम सूर्यभान सिंह है और बच्चे मुझे सूर्य सर बुलाते हैं, ठीक है बेटा? अपन फिजिक्स को एकदम माहौली तरीके से पढ़ने वाले हैं, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।